हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार राज्य के भागलपुर जिला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। भागलपुर जिला, यह जिला भारत देश के बिहार राज्य में स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक जिला भागलपुर जिला है। भागलपुर जिला के साथ साथ एक मंडल भी है, और भागलपुर जिला भागलपुर मंडल के अंतर्गत आता है, और भागलपुर जिले का हेडक्वार्टर भागलपुर शहर में मौजूद है। भागलपुर मंडल के अंतर्गत दो जिले आते हैं, पहला भागलपुर जिला और दूसरा बांका जिला। भागलपुर जिले का इतिहास देखा जाए तो पहले मुंगेर जिला, बांका जिला, झारखंड का साहेबगंज जिला आदि पहले भागलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब इन सभी जिले को भागलपुर जिले से अलग किया जा चुका है। भागलपुर जिले के पड़ोसी जिले का नाम बांका जिला, मुंगेर जिला, कटिहार जिला, मंदेहपुर जिला, खगड़िया जिला, गोंडा जिला और झारखंड का साहेब जिला है। भागलपुर जिला में 3 अनुमंडल, 16 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 16 विधानसभा, 247 डाकघर, 41 पुलिस स्टेशन, 17 सरकारी अस्पताल, 1 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 2 नगर पंचायत, 242 ग्राम पंचायतें, 4 शहर और 1516 गांवों में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो भागलपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 2570 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भागलपुर जिला में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या 5,65,000 के करीब है, और इस जिले के आबादी की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भागलपुर जिले की कुल आबादी 30,40,000 के करीब है, जिसमें पुरुष की आबादी 16,17,500 तथा महिला की कुल आबादी 14,38,000 के करीब है। भागलपुर जिले का औसत लिंगानुपात 880 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 880 महिला हैं। भागलपुर जिले का मुख्य नदी का नाम गंगा नदी व चंदन नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 236 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1305 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो भागलपुर जिला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिससे यहां के लोग अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले की साक्षरता दर 63% है, यानी कि यहां के आबादी के अनुसार यहाँ के लोग 63% पढ़े लिखे हैं। इस जिले के कुल महत्वपूर्ण कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: तिलक रामा जी विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर इंजीनियर कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के आबादी के अनुसार बहुत ज्यादा लोग यहाँ के मजदूर हैं। वैसे इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, मूंगफली, तिलहन आदि हैं। यातायात की बात करें तो इस जिले की सड़कें काफी बड़े बड़े शहरों के साथ साथ जिले के कुछ बड़े व छोटे गांवों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 31 व नेशनल हाईवे संख्या 81 गुजरती है, जो आगे चलकर बड़े बड़े शहरों और राजधानी से मिलती है। और रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस जिले के बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जिससे यहाँ के लोग देश के कोने कोने पर जाकर अपना काम चला सकते हैं। इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम भागलपुर जंक्शन है। यह जंक्शन भारतीय रेलवे के ईस्ट सेंट्रल जोन के मालंदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन में
6 प्लेटफॉर्म तथा 7 पटरियां शामिल हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा।